नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट फाइव। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेट्रो शहरों में जल्द ही RWA रसोई गैस सिलेंडर बेचेगा। जी हाँ, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने काम भी करना शुरू कर दिया है। RWA की रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन देने का मकसद ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना है। बड़े शहरों में अब LPG डिस्ट्रीब्यूशन का काम RWA करेगी। रसोई गैस की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार RWA को रसोई गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार देने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको लेकर काम भी शुरू कर दिया है। योजना की शुरुआत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होगी। शुरुआती चरण में 5 किलो का छोटा सिलेंडर RWA को सप्लाई किया जाएगा। इसकी कीमत भी कुछ कम होगी। इस कदम से न सिर्फ LPG की ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, बल्कि बड़े शहरों में देश भर से आने वाले स्टूडेंट्स और माइग्रेंट वर्कर्स को सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर आसानी से सिलेंडर मिल जाएगा। LPG किसको मिलेगा? जिसके नाम पे घर की कोई पता होगा, ऐसे माइग्रेंट लोगों को तो नहीं मिलेगा। उन बिचारों को मजबूरन ग्रे मार्केट से 80 से 100 रुपया में पर किलो LPG खरीदना पड़ रहा है। मैंने आज एक नया मॉडल यहाँ की RWA के सामने प्रपोजल रखा है। RWA उसकी जिम्मेदारी ले। हम कमर्शियल LPG जो नॉन सब्सिडाइज है उसको 55-60 रुपया में पहुँचा देंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से RWA को सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सहयोग मिलेंगे। सरकार के मुताबिक ब्लैक में प्रति किलो 90 से 100 रुपए किलो LPG खरीदने वाले स्टूडेंट या वर्कर्स जिनके पास कनेक्शन नहीं है उन्हें सिर्फ 50 से 55 रुपए प्रति किलो में LPG सिलेंडर मिल जाएगा। तो RWA का फिर वही सेफ्टी का आएगा कि वो स्टोर कहाँ करेंगे? LPG है, इसके लिए एक्सप्लोसिव का लाइसेंस चाहिए होता है, स्टोरेज का लाइसेंस चाहिए होता है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली में हर जगह, बाकी बड़े शहरों में भी हर जगह है, अभी तो रूरल में भी हर जगह है। तो आपको LPG डिस्ट्रीब्यूटर पे 5 किलो का सिलेंडर मिलेगा बाकायदा। हालांकि स्कीम के तहत बल्क में सिलेंडर स्टोरेज के लिए जगह के अलावा सिक्योरिटी क्लियरेंस एक बड़ा मसला है, जिससे RWA को निपटना होगा। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सरकार इसे कैसे लागू करती है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए। प्रकाश, अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर ये सुविधा है रेजिडेंट्स जो हैं इलाके के उनके लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो हर इलाके में एक LPG डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो जरूर इस बात का विरोध करेगा यहाँ पर। और अगर हम ये कहें कि सरकार इसे लागू करती है तो कब तक इसे लागू कर दिया जाएगा? देखिए, शुरुआती चरण में इसे दिल्ली में इसको शुरू करने की प्लानिंग की जा रही है पहले, उसके बाद देश के जो तमाम जो 4 बड़े शहर हैं उसमें इसको लागू किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे छोटे शहरों में भी इसको लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि क्योंकि जो डीलर्स हैं उनसे अभी इस बारे में सहमति बनानी बाकी रह गई है और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो तकनीकी दिक्कतें हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा। जो सरकार का जो मेन फोकस है वो है माइग्रेंट लेबरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। देश के महानगरों में जिस तरीके से लोगों जो स्टूडेंट्स हैं या जो काम के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है, और इसलिए ऐसे कंज्यूमर्स को टैप करने के लिए, ऐसे कंज्यूमर्स को LPG सिलेंडर जो क्लीन फ्यूल है उसको उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए इस योजना पे काम की जा रही है। काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया कर दिया गया तो ऐसे कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में जो ब्लैक मार्केटिंग का एक धंधा जो चलता है LPG के मामले में उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और खासकर अगर ऐसा होता है तो जो डिमांड है तेल कंपनियों की LPG के मामले में उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इसमें विन विन सिचुएशन हर किसी के लिए। लेकिन सबसे अहम मसला इसमें यह है कि RWA इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है? अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो उसको अगर डेवलप करने में जो खर्चा आएगा वो कैसे उसको इकट्ठा किया जाएगा, सरकार किस तरह की मदद करेगी? ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे बातचीत की जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में कॉन्क्रीट आइडिया इसका सामने आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और सरकार का मकसद यहाँ पर यही है कि आम आदमी को सुविधा हो, खासतौर पर जो बड़े शहरों में आने वाले, छोटे शहरों से आने वाले, पलायन करने वाले जो लोग होते हैं उनकी सुविधा के लिए भी यहाँ पर RWA जो है वो छोटे सिलेंडर्स यहाँ पर रख सकते हैं। हालांकि जैसा कि प्रकाश ने भी आपको बताया कि यहाँ स्टोरेज स्पेस कैसे होगा और कितने सिलेंडर्स रखे जाएंगे, इस बात को लेकर आगे अभी चर्चा होनी बाकी है।